चल 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 जल्दी आ, चल जल्दी बैठ जा। अबे कहाँ ले जा रही हो ये सेम कपड़े पहना के टिकटॉक बनाने तुझे? ओ भाई टिकटॉक के अलावा भी एक दुनिया है, समझ में आया? पिछली बार तू मुझे खींचकर लेकर आई थी जब दुपट्टा दिखाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी लेकर आऊँ एक इम्पोर्टेंट काम के लिए। देख मैं आ तो गई हूँ पर जल्दी से बता इम्पोर्टेंट काम क्या है, मुझे जाना है। देख मैं तुझे रोज देख रही थी और मैंने एक चीज नोटिस की। क्या? कि पूरी दुनिया बदल गई पर जीतू का ये ब्लैक पजामा नहीं बदला, रोज एक ही पजामा पहन के घूमती रहती है यार। तो तू ही दिला दे चार पांच और। देख मैं दिला तो नहीं सकती पर तुझे देखकर मुझे एक आइडिया जरूर आया कि क्यों ना हम अपने दोस्तों के लिए टॉप 5 बॉटम लेकर आए जो आपके वार्डरोब में होने ही चाहिए। देखो भाई मैं तो आदत से मजबूर हूँ पर आप लोग तो नहीं हो ना, आप वीडियो को लाइक तो कर ही रहे हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जल्दी से उस रेड सब्सक्राइब बटन को रेड जोन से बाहर निकालो और ग्रे जोन में लाओ। तो वीडियो शुरू करें? हाँ। बॉटम जो आजकल बहुत ट्रेंड में और सबके पास होनी ही चाहिए, ये पैंट हमने लिया था सरोजनी नगर से 250 रुपए का। और ये हमने कहाँ से लिया था? ये पिंक कलर के ट्राउजर्स हमने लिए थे जारा में सेल से, जो कि 2500 के थे पर हमने 1200 के अराउंड का लिया था, तो बहुत ही अच्छा डील लिया था हमने। तो इस पैंट की खास बात ये है कि जो पतले लोग होते हैं ना वो ज्यादा पतले लगते नहीं और आपका जो टमी है वो भी छुप जाता है इससे, क्योंकि ऑब्वियसली हाई वेस्टेड होता है तो टमी सारा अंदर। इवन शॉर्ट हाइट वालों के लिए भी बहुत अच्छा, ये आपको टॉल दिखाता है, अगर आप इसे क्रॉप टॉप के साथ पेयर अप करते हो तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। और इसके साथ अगर आप हील भी पहनो तो हील दिखेगी भी नहीं, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो लंबी होती है तो हील भी छुप जानी है और आप लंबे भी लगोगे। मेरे पास है पिंक कलर का, ऑब्वियसली क्योंकि पिंक इसका फेवरेट कलर है और जब ये मर्जी होगी ना तब कहेगी मुझे पिंक कलर का कुछ खिला दो, वही खा के मरूंगी मैं। हा? और इसे तो पिंक कलर ही नहीं पसंद, जिसे पिंक कलर नहीं पसंद है ना उसे डूब मरना चाहिए। जॉगर की खास बात ये है कि ये गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि होता है ढीला ढाला और बिल्कुल कम फिट, और ये टॉल हाइट वालों पे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि अगर शॉर्ट हाइट वाले पहनेंगे तो वैसे हिप एरिया में थोड़ा बैगी सा दिखता है तो वो थोड़ा और बॉक्सी सा दिखने लगेगा, इसलिए टॉल हाइट वालों पे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और जिसे हिप डिप की प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये बेस्ट है क्योंकि ये ढीला ढाला होता है तो हिप डिप दिखना नहीं है और कूल लुक भी देता है। और अगर आप जॉगर्स को टी शर्ट स्वेटशर्ट्स या फिर स्नीकर्स के साथ पेयर अप करते हो तो बहुत ही कूल लगता है। तो हमारे पास है ये ब्लू हाई वेस्टेड जीन्स जो कि मुझे तो बहुत ही पसंद है, और जहां तक मुझे पता है ये सारी लड़कियों की फेवरेट जीन्स होती है और सबके पास होगी, और अगर नहीं है तो खरीद जरूर लेना क्योंकि ये बहुत ही सस्ती थी, मैंने सरोजनी नगर से 200 की ली थी और मुझे इसमें ब्लैक भी मिल गया तो मैंने दोनों ही ले लिया। तो ये दो बेसिक पेयर ब्लू और ब्लैक हाई वेस्टेड जीन्स तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। और जिसका भी टमी फैट होता है उसके लिए ये जीन्स बिल्कुल बेस्ट है क्योंकि ये टमी को अंदर करके हाइड कर देता है। तो जो छोटी हाइट की लड़कियां होती है जैसी जीतू जैसी, तो जब वो ये ऐसी हाई वेस्टेड जीन्स पहनती है ना तो अच्छी खासी लंबी लड़की लगती है, डब्बा नहीं लगती है। अगली बार ऑफिस में जा रहे होंगे ना तेज से ही साफ करवाएंगे, बहुत लंबी हाइट है ना तेरी। हाँ तो मैं बता रही थी कि अगर आप ऐसी हाई वेस्टेड जीन्स पहनते हो ना तो ये आपके फिगर को बहुत अच्छी तरह उभार के दिखाता है, और अगर आप ऐसे क्रॉप टॉप पहन लोगे ना इसमें तो पतली सी टमी एरिया दिखेगी जो कि बहुत सेक्सी लगता है। तो ये नेक्स्ट जीन्स जो आप लोगों के पास होनी ही चाहिए है क्लासिक ब्लू जीन्स, जो लोएस्ट जीन्स है जो हम जैसे स्पेशली पतले लोगों के लिए बनी है, और ये हमने ली थी पैंटालून से 600 रुपए की। और ऐसी जीन्स में आप कोई भी बेसिक टी शर्ट आराम से कैरी कर सकते हो जो बहुत ही अच्छा लुक देता है, और अगर आप हेल्दी हो तो आप ऐसी जीन्स पे कुर्ती भी पेयर अप कर सकते हो, उस पे आपका बेली फैट भी हाइड हो जाएगा और आप अच्छे भी लगोगे। प्लाजो जो कि मैंने जारा से लिया था और ये सेल पे नए, इसे तो भाई चूना लग गया जारा से लेके, पर आप इसके जैसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपको ऐसी पैंट चाहिए तो आप किसी भी लोकल मार्केट या सरोजनी नगर से ले सकते हो, आराम से मिल जाएगी। तो अगर आपको इन जनरल जीन्स पहनना पसंद नहीं है तो आपके पास ऐसे पैंट्स होने ही चाहिए, एक ब्लैक में और एक व्हाइट में, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत ही सूदिंग रहता है और बहुत ही कंफर्टेबल भी लगता है, और ये आपकी कमर को एक अच्छा शेप दे देता है और आपको टॉलर भी दिखाता है। तो जब भी आप इस
कैरी करो तो कोशिश करना कि टॉप ऐसा हो जिसमें नेक एरिया दिखे, हल्का सा टमी दिखे और बॉटम में तो हल्का पैंट दिखेगा, तो वो बहुत अच्छा इल्यूजन क्रिएट करता है। हाँ वही तो, कैसा लगा ये आइडिया? अब तो नहीं घूमेगी एक ही पैंट में? एक पैंट में क्यों घूमूंगी, सारे के सारे मेरे ही तो। ओ भाई सारे तेरे नहीं, हम दोनों मिलकर पहनेंगे। इसे आइडिया बताया तो दोनों साथ में मिलके पहनेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हमें कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको सीरीज का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। और वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।